नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ भाई ठीक ही होंगे। दोस्तों आज आपको दिखाएंगे हम रोलर में क्या होता है। दोस्तों चलते चलते कभी कभी वाइब्रेट बंद हो जाता है, अपने से कोई फ्यूज वगैरह उड़ जाता है, उसको कैसे सही करना। चलिए आपको दोस्तों आज आपको दिखाते हैं इस रोलर में कहाँ से सही करना है, उसको किस तरीके से फ्यूज में जोड़ना है तार को। तो सबसे पहले दोस्तों इसी को पहले खोल लेना है यहाँ पे इस तरीके से, इसको बोल्ट ढीला करके अपना जो भी सिस्टम होगा आप लोग रोलर में। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो वाइब्रेट का बटन है यहाँ पे देख लो, इस तरीके से जो हमारा मीटर का शो कर रहा है यहाँ पे वाइब्रेट का बटन है इसको, तो उसको क्या करना है दोस्तों, पहले प्लट लेना है। अब जहाँ पे हमारा जो भी फ्यूज जैसे ये है हमारा वाइब्रेट वाला, तो उसको क्या करना है यहाँ से पहले निकाल लेना जो वाइब्रेट वाला अपना जो फ्यूज होता है। इसमें अपना कोई तार एक्स्ट्रा अलग से तार ले सकते हो अगर आपको बाय द काम नहीं कर रहा हो। दिखाता हूँ, जैसे मैंने तार ले लिया हूँ दोस्तों, इसको तार को इसी में लगा कर पहले चेक कर लेना। पहले डायरेक्ट क्या करना है ना दोस्तों, इसको पहले फ्यूज से डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले फ्यूज से जोड़ के इस तरीके से तार को फ्यूज में डायरेक्ट पहले जोड़ लेना है। वहाँ पर इसका फ्यूज बॉक्स है, कोई भी फ्यूज बॉक्स में आप जोड़ सकते हो। वहाँ पर मैं 10 नंबर में जोड़ा हूँ दोस्तों, जो एक्स्ट्रा फ्यूज हो उसमें जोड़ सकते हो, जिससे हमें मतलब करंट लेना है। तो दोस्तों उसी तरीके से हम लगा दें वहाँ पे। अब दोस्तों ये लगा कर पहले चेक कर लेना है, जैसे तार मैं उसमें जोड़ दिया हूँ हमारा लंबा तार हो गया। दोस्तों सबसे पहले तार फ्यूज से जोड़ने के बाद ना दोस्तों पहले इसको चेक कर लेना है यहाँ पर करंट दे भी पा रहा है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर करंट देने लगा, देखो दे रहा है यहाँ पर करंट, चिंगारी बल ली है दोस्तों। दोस्तों फिर आपको क्या करना है, तो पहले मशीन ही स्टार्ट कर लेना है। अभी करते हैं दोस्तों मशीन स्टार्ट। तो दोस्तों रोलर हमने कर लिया स्टार्ट पहले। अब दोस्तों यहाँ पे फ्यूज बॉक्स में पहले चेक कर लेना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे फ्यूज में अंदर देख रखा है ना दोस्तों, देखो इसमें अंदर कोई भी तार में चेक कर लेना है कि रोलर वाइब्रेट दे रहा है नहीं। देखो हिलने लगा रोलर, देखो रूम पर दिखाओ, देखो हिलने लगा रोलर, मतलब यहाँ से अपना डायरेक्ट जोड़ सकते हो। फिर इसको तार को दोस्तों रोलर हमें बंद कर देना है पहले। दोस्तों यहाँ पे मैंने जोड़ दिया हूँ तार इस वजह से, देखो यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक दो तीन, तीसरा नंबर का जो खांचा है ना दोस्तों उसी में तार जोड़ता है, वाला तार मैंने डायरेक्ट नीचे से जोड़ दिया हूँ। तो भाई इससे क्या होगा दोस्तों, अब वाइब्रेट स्टार्ट करके दिखा देते हैं, बटन से डायरेक्ट रोलर स्टार्ट होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हम बटन दबाते हैं, पता लग जाएगा हमारी वाइब्रेट काम कर रही है नहीं। देखो दिखाओ रूम का, देखो मिल रहा है, चालू हो गया। अब यहाँ से फिर दोस्तों यहाँ पे रुक भी जाएगा, देखो रुक भी गया दोस्तों। इसको रोलर को कर सकते हैं बांध, अब हमारा वाइब्रेट हो गया सही होगा। अब दोस्तों इसको बांध देते हैं, फिर जो डायरेक्ट हमने फ्यूज जोड़ा है तार दोस्तों, इसको डायरेक्ट फिर यहाँ से नीचे से डाल देते हैं दोस्तों, जो हमारा अंदर अंदर नीचे से डायरेक्ट जोड़ गया, फिर वहाँ से पीछे से उठ जाएगा तार। अब इसको करते हैं दोस्तों बंद। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को, इसी तरह की दोस्तों वीडियो आपको लाऊंगा जानकारी की। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।